पास इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी मामले को लेकर जीतू पटवारी के बयान को लेकर मंत्री सारंग का बयान। आपको बता दें, 10 साल बाद सबूत मिले जिसके बाद ईडी ने की कार्रवाई। नेहरू परिवार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में नेहरू परिवार ने सरकार को गुमराह किया है। भ्रष्टाचार नेहरू परिवार करे और आरोप बीजेपी पार्टी पर लगाए। देखिए, उनका ये वक्तव्य ईडी की निष्पक्षता को प्रमाणित करता है। यदि ईडी या कोई भी जांच एजेंसी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के दबाव में आके काम करती तो हम तो सरकार बनने के एक साल में ही कार्रवाई करवा देते। ये इस बात को प्रदर्शित करता, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जिस भी कांग्रेसी नेता ने यह खुलासा किया है। ये बात इस बात को प्रदर्शित करती है कि कोई भी जांच एजेंसी सरकार के दबाव में काम नहीं कर रही। उसको जब प्रमाण मिले, जब उनको पूरे सबूत मिले, उसके बाद कार्रवाई की गई। ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। यदि कार्रवाई की जाती और कार्रवाई यदि वैमनस्य के कारण, राजनीतिक विद्वेषता के कारण होती, सरकार के दबाव में होती, तो फिर तो सरकार बनती, ओथ लेते और दूसरे दिन कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। और जीतू पटवारी जी, देखिए, मन की बात, सच्चाई तो जवान पर आ ही जाती है। तो जो जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ईडी की निष्पक्षता प्रमाणित कर दी। यदि ईडी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 10 वर्ष बाद कोई कार्रवाई की है, तो ये इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है कि जब सबूत मिले, जब तथ्य मिले, तभी उन पर कार्रवाई हुई है, नेहरू परिवार पर। और नेहरू परिवार तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में तो तथ्य सामने, दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। कोई एक कंपनी को आप खरीद लेते हो, फिर कांग्रेस पार्टी खरीद लेती है और कांग्रेस पार्टी नेहरू परिवार के ऐशो आराम के लिए उसकी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को चंद पैसे में खरीद कर अपने ऐशो आराम की व्यवस्थाएं कर देती है। भोपाल में नेशनल हेराल्ड के मामले में हमें सामने दिख रहा है। प्रेस कॉम्प्लेक्स में सन 1981 में नेशनल हेराल्ड को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए 1 एकड़ जमीन मिली 1 रुपये स्क्वायर फीट पर, और नेशनल हेराल्ड ने वहां पर पेपर नहीं छापा जिस काम के लिए उनको जमीन मिली। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर मंत्री सारंग का बयान। कांग्रेस पार्टी मुद्दे से भटकाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी केवल बात करती है आदिवासी के विकास के लिए, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर मजाक उड़ाया था। अब देखिए, फिर मैं पहले से कहता आया हूँ कि कांग्रेस बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी मुद्दे पर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। अच्छी बात है, कांग्रेस प्रदर्शन करे, इस देश में हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है। परंतु कांग्रेस को ये भी तो बताना पड़ेगा कि 15 महीने वो मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने जनता के हित में क्या किया। अभी वो आदिवासियों के कल्याण की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी आदिवासियों के लिए यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो ये भी तो बताएं कि इस देश के आदिवासियों का सबसे स्वर्णिम युग उस दिन आया जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को, एक आदिवासी बहन को, राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। तो उस दिन कमलनाथ जी का आदिवासी प्रेम नहीं जगा, उस दिन तो कमलनाथ जी ने द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया। अधीर रंजन चौधरी जी ने तो उनके चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद, एक आदिवासी महिला का अपमान किया। उस दिन कांग्रेस का आदिवासी प्रेम कहाँ गया? ये ढकोसलेबाजी से राजनीति नहीं चलती, जनता सब जानती है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर मंत्री सारंग का बयान। पिछले 24 घंटे में 7,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 169 मरीज मिले हैं। वर्तमान में प्रदेश में 1385 एक्टिव केस हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कोरोना से बचाव की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 7,187 टेस्ट हमने किए हैं, जिसमें से 169 पॉजिटिव केस आए हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1385 एक्टिव केस है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर पूरी तरह से कोरोना की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। वैक्सीनेशन पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, और यदि कहीं भी कोरोना पॉजिटिव केस आते हैं तो पूरी तरह कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। अभी ये संतोष की बात है कि
हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं है। कांग्रेस द्वारा अधिकारियों की सूची बनाने के बयान पर मंत्री सारंग का पलटवार। कांग्रेस की यह शब्दावली उसका अहंकार प्रदर्शित करती है। अधिकारी कर्मचारी किसी सरकार के नहीं होते, वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। कांग्रेस अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहते, ना कांग्रेस की सरकार आएगी और ना ही वो लिस्ट बना पाएंगे। भोपाल गैस राहत विभाग शुरू करेगा कैंसर अस्पताल, मंत्री सारंग ने दी जानकारी। आपको बता दें, गैस पीड़ितों के समुचित इलाज के लिए हम समुचित व्यवस्थाएं करेंगे, शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये कहा। भोपाल में गैस राहत विभाग के माध्यम से कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी, तो वहीं गैस राहत के चिन्हित अस्पताल में भी यह अस्पताल शुरू किया जाएगा। शीघ्र ही इसकी प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की जाए। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री सारंग का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस यह भी बताए कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने जनता के हित में क्या किया। कमलनाथ जी आदिवासियों के लिए यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था तो उनका आदिवासी प्रेम नहीं जा। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली आपका घमंड प्रदर्शित करती है। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, लोकतंत्र में जनता के बीच में चुनाव में जाकर आपको सरकार में आना है या नहीं आना, ये जनता निश्चित करती है। पर जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसी सरकार के नहीं होते, वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। और जीतू पटवारी जी भूल रहे हैं कि इस देश में अधिकतर समय उनकी और नेहरू परिवार की सरकार रही है। तो क्या ये उस समय भी होता था? इस तरह से दबाव बनाकर अधिकारी कर्मचारियों से पैसा हम वसूल कर सकें, ये दबाव है कांग्रेस का। वो ये चाहते हैं कि दबाव बनाया जाए, वो ये चाहते हैं कि इस तरह से दबाव में लाकर अधिकारी कर्मचारियों से गलत काम के लिए उनको प्रेरित करने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये शब्दावली बहुत खतरनाक है। और देखिए, गालिब पहले भी कहते गए, मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेस के नेता ऐसा ही बोलते रहे, ना उनकी सरकार आएगी ना वो लिस्ट बना पाएंगे। मध्य प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और करता रहेगा। ये दबाव की राजनीति 15 महीने कमलनाथ ने की थी। गुंडागर्दी बदमाशी करके सरकार चलाने वाले ये कांग्रेसी लोग इस तरह से ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बना रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है।